अंगूर को जब खास तरीके से सुखाया जाता है तो उसे मुनक्का कहते हैं। अंगूर के सभी गुण मुनक्के में होते हैं। मुनक्का दो तरह का होता है, लाल मुनक्का और काला मुनक्का। मुनक्का खाने से खून बढ़ता है, लिहाजा आज हम आपको मुनक्के के फायदे के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे आप मुनक्के का सेवन करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सेहतनामा। मुनक्का एक सूखा मेवा है जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आमतौर पर पहाड़ों पर रहने वालों के लिए और पर्यटकों के लिए मुनक्का खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। मुनक्के को रात भर पानी में भिगो के रखें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। मुनक्के को पानी में भिगो कर खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। ऐसा करने से आपका पेट साफ रहेगा और आपको दस्त जैसी दिक्कतें कभी नहीं होंगी। मुनक्के को दूध में भिगो कर भी खाया जा सकता है। मुनक्के की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में करने की सलाह दी जाती है। मुनक्के का सेवन आप गर्मियों में भी कर सकते हैं, लेकिन एक नियंत्रित मात्रा में। अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको दस्त और बुखार जैसी दिक्कत भी हो सकती है। मुनक्के के कई फायदे हैं। मुनक्का कई आवश्यक विटामिनों खनिजों से भरा होता है जो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुनक्का खाना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसमें सोडियम बहुत कम होता है। मुनक्के का सेवन करने से आपके दांत हमेशा स्वस्थ रहते हैं। मुनक्के का एक और बड़ा फायदा है, इसमें एक फाइटोकेमिकल होता है जिसे ओलेनोलिक एसिड कहा जाता है। ये सभी प्रकार की दांत की समस्याओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मुनक्के का सेवन से इंसोमिया जैसी समस्या भी ठीक हो जाती है, यानी अगर आपको नींद नहीं आती तो आप मुनक्के का सेवन कर सकते हैं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।